जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं उस खास इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसके लिए आप सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब मोस्टली पूछे जाने वाला सवाल ये है कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स कब होगा। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये था कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड का एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली ये नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म कल यानी कि 25 जून से जाएगा। एक चीज नोटिस करिएगा कि इस बार आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है फॉर्म भरने का, इसलिए क्योंकि एग्जाम्स को जल्दी कंडक्ट कराना है। तो सारी चीजों पे बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है इस वीडियो में और हम सीधे आ जाते हैं अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की जो नोटिफिकेशन होती है वही वैलिड होती है और उसी पे हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो आइए सीधे हम आ जाते हैं अवध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि कहां है वो नोटिफिकेशन, कहां है वो पीडीएफ जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी हमें बताना चाहती है कि आपका एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अवध यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप यहाँ पे आएंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं ये जो यहाँ पे स्लाइड चलता हुआ जा रहा है, आवासीय एवं महाविद्यालय बीएड एवं द्वितीय वर्ष 2024 के परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको यहाँ से सामने से आपको दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे चलिए इसको इस न्यूज़ को ज़रा पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये न्यूज़ और क्या है ये नोटिफिकेशन। ये रहा आपका वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अधिसूचना जो कि आपके विश्वविद्यालय ने जारी करा है। क्या है वो अधिसूचना, आप ऊपर देख सकते हैं अधिसूचना अवध विश्वविद्यालय की तरफ से। एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करने वाली बात है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अवध यूनिवर्सिटी ने इस बार जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें कह रहा है कि बीएड एवं एमएड द्वितीय वर्ष, मतलब इस सूचना में केवल सेकेंड ईयर का जिक्र किया गया है, फर्स्ट ईयर का नहीं। अब जब पोर्टल खुलता है, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तब वहाँ पे एक बार और चेक किया जाएगा क्या फर्स्ट ईयर वालों को भी हो, लेकिन सेकेंड ईयर वालों को तो कंफर्म है कि एमएड और बीएड द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ संपन्न कराने जाए हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन परीक्षा शुल्क, चाहे कैंपस की बात करें या फिर आउटसाइड कॉलेज की बात करें, 25 जून से 3 जुलाई तक भरी जाएगी। आप देख सकते हैं ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा है और संबंधित संस्थान विभाग से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन जैसे जो कॉलेज को करना होता है वो कॉलेज वेरिफिकेशन 4 तक कर देगी और जो भी है वो 5 तक विश्वविद्यालय में जमा कर देगी। तो विश्वविद्यालय का साफ तौर पर ये सूचना आपको दिया जा रहा है। इस संबंध में अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आवेदन पत्रों का स्वयं सुखता से जांच कर ले, नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि होने पे संबंधित छात्र छात्राएं ही इसके लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों ये वो नोटिफिकेशन था जो अवध विश्वविद्यालय ने ऑफिशियली आपको अपने वेबसाइट पे जारी करके बता दिया। तो यहाँ पर जो खास तौर पर देखने वाली बात यह है कि आपका 25 यानी कि कल से दोस्तों कल से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। अभी तक जो सूचना दी जा रही है उसमें केवल बीएड सेकेंड ईयर का ही जिक्र किया गया है, केवल बीएड सेकेंड ईयर का ही कहा गया है, फर्स्ट ईयर का नहीं है। तो अब दो समस्याएं हैं दोस्तों, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा और कोशिश करिएगा कल इंतज़ार कर लीजिएगा, परसों से आप भर लीजिएगा, क्योंकि मैं कल खुद एक बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म भर के स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको बता दूंगा कितने पैसे लगने हैं, कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी है, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और क्या क्या गतिविधियाँ या क्या क्या प्रोसेस में आपको उसमें करना है। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट, इवन आई विल फिल अ फॉर्म ऑनलाइन में फॉर्म भरूंगा एंड आई विल शो यू हाउ टू फिल द सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म। सो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक चीज़ आप और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो ये है दोस्तों कि अगर आप अन्य विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करके आए हैं और अगर आपके पास विश्वविद्यालय का इनरोलमेंट नंबर नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास अवध यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो प्लीज़ आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इनरोलमेंट नंबर प्राप्त कर लीजिए। विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे तो मुश्किल बा मुश्किल एक दिन में, एक से दो दिन में आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। हालांकि बिना इनरोलमेंट के भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन समस्या ये होगी कि जब आपका सेकेंड ईयर का मार्कशीट आएगा तो उस पर आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं रहेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप एक बार मेक श्योर हो जाइएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त पिछली बार तो इनरोलमेंट नंबर मांगा गया था, इस बार भी मांगा जा सकता है। तो आपसे खैर मतलब रिक्वेस्ट है, आई विल हमली रिक्वेस्ट यू कि मेक श्योर आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर क्या हाथ से तैयार कर लीजिएगा। खैर नहीं हो फिर भी आप फॉर्म भर लेंगे, उसमें बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन मिल जाना ज़्यादा बेहतर होता है। जो बच्चे ऑलरेडी अवध यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके बीए बीएससी या बीकॉम के ग्रेजुएशन के मार्क्स में इन्वॉल्वमेंट नंबर रहेगा, वो सेम आप इन्वॉल्वमेंट नंबर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में आपको बस एक बार ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। बहरहाल बाकी बातें होती रहेंगी, सूचना आपको दी जाती रहेगी। अब तक की सबसे बड़ी सूचना ये है अवध विश्वविद्यालय की तरफ से कि 25 दोस्तों जस्ट सेव द डेट, आपको शादी का कार्ड मिलता है ना तो आता है सेव द डेट,
तो आप यहाँ पे डेट सेव कर लीजिए कि 25 से 3 तक। और याद रखिए, अगर 3 को सच में विश्वविद्यालय ने पोर्टल बंद कर दिया, अगर 3 में सच में 3 तक अगर ये फॉर्म भरा गया और लास्ट डेट 5 कर रहे हैं ना, अगर 5 है तो यकीन मानिए 15 से आपका पेपर करा दिया जाएगा। क्योंकि केवल सेकेंड ईयर का कराना है तो बहुत मुश्किल नहीं है सेंटर डिसाइड करना, एडमिट कार्ड करने में। अगर सच में 5 तक पोर्टल बंद कर दिया गया और विश्वविद्यालय का फॉर्म ले लिया गया, तो यकीन मानिए कि 15 से ही आपका क्या करा दिया जाएगा, पेपर करा दिया जाएगा। और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसी सूचना जिसमें केवल सेकेंड ईयर के बारे में बात किया गया है। तो अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन का टाइम है। जल्दी से जल्दी कल नहीं परसों आप क्या करिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा और उसके बाद लग जाइएगा पढ़ाई में। और अच्छी बात यह है कि मेरे भी पेपर्स हो चुके हैं, मैं कल ही एक वीडियो बना के आपको बता चुका था कि अब हम सीरियसली पढ़ने वाले हैं। और इवन आपकी एक और सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की कंप्लीट एक यूनिट की मैराथन वीडियोज आपको कल मिल जाएगी। तो कल फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई आपकी शुरू कर दीजिए। समय 15 दिन है ना, तो 15 दिन में 5-5 दिन अगर तीनों सब्जेक्ट को दे, सोचिए ना 5 दिन में एक सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट करना है, यानी कि हर एक दिन आपको एक यूनिट पढ़ना पड़ेगा। बस आप एक कोशिश करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि वीडियो देख लेंगे तो वो जो नोट्स में जो हेडिंग लिखेंगे ना वो आपका ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी बातें होती रहेंगी, आगे भी चर्चा होती रहेगी, मेरा भी काम है, मैं चलता हूँ आपके लिए पीडीएफ बनाने, मैं चलता हूँ दोस्तों आपके लिए फॉर्म भरने की तैयारी करने और आपके लिए वीडियोस बनाने की तैयारी करने। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, आप बस साथ बने रहिए, अन्य दोस्तों को जोड़िए, चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके पेपर अच्छा होगा, फर्स्ट ईयर से बेहतर रिजल्ट आएगा, मैं इसके बाद की प्रॉमिस करता हूँ। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भाई आपके साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आपका खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में दे दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि और आपके दोस्त हमसे जुड़ सके, कॉलेज ग्रुप में इसको भेज दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद जय भारत।